Love you. It helps? It helps? No, the one will help this one. The one you mean is this one. Oh, Viagra. Turkish Viagra. Come, sir, I will show you something. No, mashallah. We will eat, we will come back, brother. Why? Because we need to eat, we are hungry. No, I mean buy first, then eat. No, but where then you we from, have sir? To. We are from Pakistan, brother. Pakistan's in the bad? खुले बालों के साथ तो आरिफ लो आरी लग रहा हूँ मैं। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक है? पिछले ब्लॉग में हमने देखा था ग्रैंड बाजार, चलते चलते की सीरीज में अब है एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे इस्तांबुल की गलियां और एंड में हम यहाँ की मस्जिदें भी आपको दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग और एंड में थोड़ा सा मिक्सअप करूंगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम सारों को, क्या हाल है? आज आए इस्तांबुल, आपको कराएंगे वॉकिंग टूर यहाँ का। हमारे सामने हमारा होटल है, ये बहुत प्यारी मस्जिदें हैं। साथ साथ चलेंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे। यार लोकल ब्रांड्स काफ़ी हैं इस्तांबुल के अपने, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कभी देखे नहीं है, सुने नहीं है, पर काफ़ी अच्छा सीन। मुझे लग रहा है मैं मॉल रोड पे फिर रहा हूँ। मॉल रोड के ऊपर सारे पाकिस्तानी ब्रांड दिख रहे हैं। अभी आज आए हैं तो गला थोड़ा सा ख़राब है आपका। हर जगह बिल्ली तो नहीं है, कुत्ते भी मिलेंगे, लेकिन कुत्तों के साथ देखें, उन्होंने खाना भी डाल के रखा हुआ है। गंद भी है, इस्तांबुल है। तो आइडिया यही है कि साथ साथ वॉक करूँगा, साथ साथ आपको दिखाऊँगा, ख़ुद भी डिस्कवर करूँगा। हम जा रहे हैं सुल्तान अहमद मॉस्क की तरफ, जो हमारा होटल है उसके बिल्कुल सामने ही है। परफ्यूम की शॉप्स भी काफ़ी हैं सामने, US पोलो असैसिन वगैरह भी है जिसको चाहिए। मेरा दिल है ये एक अनकट वीडियो हो। मुझे सांस चढ़ तो रहा है, ऑब्वियसली IT वाला बंदा हूँ, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा गला ख़राब है। अच्छा हाँ, यहाँ हर जगह जो है ना इस तरह के ATM लगे हुए हैं, क्योंकि मेट्रो शटर वगैरह सारी जगहों के ऊपर ATM ही चलते हैं। हाँ, मेट्रो का कार्ड अगर आपने लेना हो तो कैश है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं। यहाँ सुबह आज आए थे हम, क्योंकि आज सुबह सुबह आए हैं तो सुबह बारिश हो रही थी टका के। बहुत सामने ऊपर अभी शायद ग्रीन चीज़ नज़र आ रही हो, उसका मतलब है चलो। अभी रात के 7:30 होने वाले हैं, दुनिया फुल गहमा गहमी में। And we are walking on the streets of Istanbul. ये सारा ट्राम है, ट्राम वो ट्रेन होती है जो उनसे ऊपर चलती है, मेट्रो अंडरग्राउंड चलती है। तो हमारे इसी पट्टी में ही है, हमारा क्राउन प्लाजा होटल है, और ये सामने डबल ट्री बाय हिल्टन भी है, और हर जगह आपको इस तरह जो उनसे ना वो मिलेंगे ATMs वगैरह। लोगों ने फेक ब्रांड्स वगैरह सब लगाए हुए, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि हम आए हुए मॉल रोड, और मॉल रोड के साथ साथ हम घूम फिर रहे हैं। हवा चल रही है, डिग्री मेरे ख्याल से होगा, गूगल से पूछेंगे तो 20 होगा, लेकिन वैसे 18-16 की रियल फील आ रही। आपने देखा होगा मैंने बैग भी पहना हुआ है, साथ मैंने जैकेट भी पहनी हुई है। ये नॉर्मल है यूरोप के अंदर, क्योंकि आपको लगता है ऐसे ही है कि यहाँ गर्मी है, लोग स्कर्ट्स वगैरह में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे उन सारों ने स्वेटर पहने हुए हैं। मई का मौसम है अभी, पाकिस्तान में तो मेरे हाल से 45 डिग्री होना शुरू हो गई है,
पर यहाँ अभी भी जैकटों वाला सीन है क्योंकि समुद्र के सामने पोर्ट सिटी है। माशाल्लाह मगरिब होगी, मगरिब के अंदर अब बोलेंगे नहीं, आराम से अजान को एंजॉय करेंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे। बेल्जियम में हम इन्हीं अजानों को मिस करते हैं। मेरा कैमरामैन अंदर जाना चाह रहा है, सुल्तान अहमद से हुआ है, फिर उसके बाद करेंगे सारी शॉपिंग वगैरह भी। बहुत ज़्यादा अपने ब्रांड हैं, हाई फाई कैफे लग रहा है। एज यूजल हम चाह रहे थे कि हम शाम को नहीं दोपहर को निकले, लेकिन सुबह हम ज़रा लेट आए हैं, तो आपको दिखा रहे हैं इस्तांबुल की गलियां। समुंदर के पास जितना जितना जाएंगे साथ साथ उतने ही हवा चलती जाएगी। ये वॉशरूम का बता रहा है, जहाँ WC लिखा होगा, WC ऑब्वियसली कराची में भी मशहूर है, पर ये टॉयलेट होता है आमतौर पे। मेरे साथ चलें, 6 मिनट ही हुए हैं और मैं बोल के तंग आ गया मेरे ख्याल से, लेकिन ये सामान साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ हिस्टोरिक पत्थर पुत्थर रखे हैं उन्होंने, अभी पता नहीं बैरियर टाउन के पत्थर हैं या असल हैं, ऑब्वियसली असल में कोई निज़ाम होगा, लेकिन नो आइडिया है इनका क्या सीन है। सांबल थोड़ा सा ऊपर नीचे है, समंदर के पास है, लेकिन फिर भी पहाड़ी इलाका है। और अब क्योंकि रात हो रही है, तो ये किसी ने छलियाँ लगाई हुई हैं, किसी ये बाबे ने चेस्टनट्स वगैरह लगाए हुए हैं। हवा चल रही है फुल टाइम टका के, अब पता नहीं कितना शोर आया कितना नहीं, मैं बाद में देखूँगा जब मैं एडिट कर रहा। मेरा दिल यही है कि एडिट ना करूँ। हर जगह आपको मनी एक्सचेंज वाले ये लोग मिल जाते हैं। यूरो का रेट चल रहा है 21 लीरा, 21 लीरे के अंदर आपको 1 यूरो में 21 लीरा मिल जाते हैं। लेकिन ये बेस्ट है, इन्होंने हर जगह ना ATM लगाए हुए हैं कि निकाल लो पैसे सारे अपने, दे दो हमें सारे पैसे। हमारा पहला दिन है आज इस्तांबुल में, तो आपको दिखाते जाते हैं आगे जैसे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग आती है। मेरे कैमरामैन ने कहा है जूस वाला आ रहा है, डोनर वाले इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हर जगह आपको US पोलो असैसिन वगैरह चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ओवरऑल अच्छा है सारा कुछ, ATM वगैरह। नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स सुल्तान अहमद मॉस्क। आइसलैंड आ गया, आइसलैंड नहीं नहीं आइसलैंड नहीं, आइसलैंड से बहुत अच्छी चीज़ है टर्किश डिलाइट। पूरा अंदर शॉप है, और हम चले अपनी दोबारा। अभी आए हम हाफिज मुस्तफा, ये हाफिज स्वीट्स है यहाँ की, यहाँ की लोकल स्वीट्स, और पता नहीं सिंस 1864 है जी। इनका सीन ये है कि लोगों ने सारी लाल टोपियाँ पहनी हैं, लेमन ऑरेंज मिल्क पुडिंग।
अभी तक इस्तांबुल की सड़कों में अनारकली में जूते बिक रहे हैं। आईफोन का अल्ट्रा वाइड मर गया, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं आपको इस्तांबुल और इस्तांबुल के अंदर आपको ट्रा में। अब यकीन नहीं करेंगे अभी क्या हुआ। एक बंदा आया मुझे परफ्यूम बेचने के लिए, 8-8 यूरो के परफ्यूम बेच रहा था। मैंने कहा 2 यूरो, कहता नहीं। फिर उसने अपनी फ़ोटो भी दिखाना शुरू कर दी कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो बाद में पता लगा कि जिस बच्चे की फ़ोटो दिखा रहा था कि भूखे मर जाएंगे, वो उसकी अपनी फ़ोटो थी बचपन की। वो उसने वॉलपेपर लगाया हुआ है, टूटा हुआ फ़ोन रखा हुआ है, फुल सैड स्टोरी चल रही है। तो जब इस्तांबुल में हो थोड़े से स्ट्रीट स्मार्ट रहें, लोगों की बातों में ना आ जाना। ऐसा मेरा कैमरा मैन शौकीन है इस तरह की कैलीग्राफी का। ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छी शॉप दिखी है मैं, जहाँ ये कैलीग्राफी वगैरह सब कुछ बिक रहा है। साथ इधर पैनोरामा में बेल्टे भी बेच रहा है एक बंदा। लोगों ने बाल लगवा रहे हैं अपने सरों में। इस्तांबुल ट्रिप कंटिन्यूस। पैसे हो ना बंदे के पास, दिल करता है बंदा ख़रीद ही जाए हर चीज़। पैसे हो बस, हमारे पास है सामने बर्गर किंग। सीने उधर ही चढ़ा दी अपनी गाड़ी। अल्ट्रा वाइड कैमरा मर रहा है, लेट मी स्विच टू वाइड। वाइड पे आ गए हैं। अब ब्लू टेंट भी ख़त्म हो रहा है, या ऑब्वियसली हर बंदे को ना समझ आएगी ना उनको परवाह है। बर्गर किंग हलाल। वी वॉन्ट टू क्रॉस द स्ट्रीट, वहाँ नीचे की तरफ जाना है हमने। उधर है सुल्तान अहमद पा। चलते चलते ये लोटी नज़र नहीं आना। लोटी रूफ लाउंज शीशा। माई लगी हुई है रोटी पकाने। अभी तक सुल्तान अहमद मॉस्क आए नहीं, पर रौनक लगी हर जगह। छोटा सा स्टारबक्स यहाँ, ये क्वाफर कहते हैं बाल काटने वाले को। सामने मैकडॉनल्ड्स भी है, और ये स्मिथ कैफे। और ये बाजी भी रोटियां पका रही हैं प्रेस पर। काम चल रही है फिर भी। और इस्तांबुल का टूर कंटिन्यूज। अभी तक हम चल रहे हैं सुल्तान अहमद मॉस्क की तरफ। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक और एटीएम इधर हागिया सोफिया है, जो आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और देखो लिखा हुआ है, जूम कर सकता मैं, जूम नहीं कर सकता। ये सुल्तान अहमद मॉस्क का लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। मॉस्क। सो फाइनली सामने छली वाला है, ये माशाल्लाह हागिया सोफिया है। और ये है सुल्तान अहमद मॉस्क। आपको मिलते हैं कल, रोटी खा लें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मिक्सअप के बारे में शुरू में, तो हागिया सोफिया की मॉस्क को मैं सुल्तान अहमद मॉस्क समझ रहा हूँ, और सुल्तान अहमद को हागिया सोफिया। पता नहीं क्यों रात में ये पर्पल पर्पल पिंक पिंक सा टिंक दे रहा था। और ये आईफोन की क्वालिटी, रात में एज यूजुअल आईफोन मर जाता है। दिस इज़ सुल्तान अहमद मॉस्क, दैट्स हागिया सोफिया। नॉर्मली पता नहीं क्यों पर्पल पर्पल सा आ रहा है, लेकिन ये पर्पल है नहीं। अब मुझे लग रहा था कि ये हागिया सोफिया, जबकि जो ब्लू मॉस्क है वो रात को लाइटें लगा के इन्होंने पर्पल कर दी थी। और क्योंकि हागिया सोफिया, पता नहीं मेरे जहन में लड़की का टच आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये मॉस्क है, जबकि हागिया सोफिया की मॉस्क दूसरी तरफ थी जो येलो है, पुराने ज़माने की लगती है। और सुल्तान अहमद मॉस्क नहीं है, नए ज़माने की लगती है। बाय एनी केस, ये तो होता है जब आप गूगल इमेजेस नहीं देखते और अपने तुके मारते हैं।
इस्तांबुल जाके तीसरे दिन तक मुझे पता लग ही गया था कि कौन सी मास्क कौन सी है। आगे के ब्लॉग्स आएंगे जिसके अंदर मैं आपको इस्तांबुल की डिटेल सारा टूर कराऊंगा। ब्लॉग्स देखते रहिएगा, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब कर लें, फैमिली के अंदर शेयर भी कर दें, लोगों की टिकटॉक वगैरह शेयर करते हैं ना, भाई की एक वीडियो भी शेयर कर दें आपकी मेहरबानी, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखें, अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।